अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है विच इज़ कॉम्पीडेंट इफेक्ट, इसको हम देखेंगे और साथ ई टैप के ऊपर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह कॉम्पीडेंट इफेक्ट्स बिल्डिंग के अंदर चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आप ई टैप मॉडल्स के अंदर आते हैं और एनालाइज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सेट एनालिसिस ऑप्शन के अंदर इंक्लूड होता है आदर यू वॉन्ट टू इंक्लूड डायनेमिक एनालिसिस, आदर यू वॉन्ट टू इंक्लूड पी डेल्टा इफेक्ट्स और नॉट। सो वी शुड नो वट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस पी डेल्टा इफेक्ट एंड लेटर ऑन फिर हम इसको ई टैप के ऊपर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास दो किस्म के लोड्स हैं, वन इज़ अ ग्रेविटी एंड अदर इज लेटरल लोड्स विच इंक्लूड विंड एंड सिस्मिक्स। सो जो लेटरल लोड्स हैं विंड और सिस्मिक बेसिकली वो ग्रेविटी लोड्स को डिस्प्लेस करते हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर सेकेंडरी मोमेंट्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरह यहाँ पर समझाऊँगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल ये एक आइडियलाइज फॉर्म है बिल्डिंग की जिसके ऊपर पी इज़ द ओनली ग्रेविटी लोड एक्टिंग राइट नाउ। अगर आप इसकी बेस के ऊपर मोमेंट देखेंगे दिस विल बी जीरो बिकॉज मोमेंट आर्म जीरो है एंड दिस पी लोड इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द बिल्डिंग। इन द सेकेंड केस अगर आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग के ऊपर पी लोड ग्रेविटी भी लगा है इन एडिशन टू दिस पी लोड देयर इज अ क्यू लोड, तो अब यहाँ पर इसकी बिल्डिंग की बेस के ऊपर मोमेंट्स डेवलप होंगे ड्यू टू दीज लेटरल लोड्स आइदर विंड और सिस्मिक विच इज एम इज इक्वल टू क्यू इंटू एच, हाउएवर दिस पी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। थर्ड केस कि अगर आपके क्यू लोड इंक्रीज होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो क्या करेंगे इन ग्रेविटी लोड्स को डिस्प्लेस करेंगे लाइक इन दिस थर्ड फिगर। सो नाउ पी इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, इट इज़ आइदर डिस्प्लेड और इसके साथ एक डेल्टा डिस्टेंस के ऊपर मोमेंट आर्म प्रोड्यूस हो गया। सो नाउ एडिशन टू क्यू मल्टीप्लाई बाय एच जो कि प्राइमरी मोमेंट था, अब जो आपकी ग्रेविटी लोड हैं दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ मोमेंट विच इज़ पी इंटू डेल्टा, सो दिस विल बी द टोटल मोमेंट एट द बेस। समटाइम्स हमारी कंसेप्शन ये होती है कि अगर हमने इन डेल्टास को रिड्यूस करना है बिकॉज अगर आप चाह रहे हैं कि पी डेल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो तो देखने से हमें पता चल रहा है कि वी हैव टू रिड्यूस डेल्टा या बिल्डिंग की लेटरल डिफॉर्मेशंस। और हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि लेटरल डिफॉर्मेशंस को रिड्यूस करने के लिए बिल्डिंग की स्टिफनेस इंक्रीज करें, उसके मेंबर्स के साइज इंक्रीज करें। सो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के कॉलम्स और उनके बीम्स की थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली कि पी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, आइदर पी और डेल्टा इंक्रीज, इसकी वजह से ये जो पी डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है ये इंक्रीज होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट द स्टिफनेस जो हमने फिगर डिस्कस की उसकी इक्वेशंस दी हुई हैं विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोमेंट्स, ठीक है जी। इनकी रेशियो को बेसिकली एक नाम दे दिया गया स्टेबिलिटी कोफिशिएंट 5 एंड इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0.1 तो आप क्या कर सकते हैं कि पी डेल्टा इफेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं। दीज आर द सेकेंडरी मोमेंट्स जो भी हमने डिस्कस किए, दीज आर द प्राइमरी मोमेंट्स विच आर ड्यू टू लेटरल लोड्स विंड एंड सिस्मिक की वजह से, सेकेंडरी मोमेंट्स जो कि ग्रेविटी लोड के डिस्प्लेस होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा पी डेल्टा इफेक्ट से रिलेटेड उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह हम ई टैप में से इन रिजल्ट्स को ले सकते हैं और चेक करेंगे किसी भी बिल्डिंग के ऊपर कि आइदर हमें पी डेल्टा इफेक्ट्स उसमें कंसीडर करने हैं कि नहीं। ये हमने एक शीट डेवलप की है विच इज़ फॉर पी डेल्टा इफेक्ट्स। इसके राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है विच इज़ टेकन फ्रॉम ए एस सी ई 12.8.7 पी डेल्टा इफेक्ट्स की कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, इसको रीड आउट करें। थ्योरी के अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी, वन इज़ द स्टेबिलिटी कोफिशेंट जिसको वहाँ पर 5 से रिप्रेजेंट करे थे, हेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई थीटा इज़ द रेशियो ऑफ सेकेंडरी ओवर प्राइमरी मोमेंट्स, उसकी रेशियो थी। इसके अलावा थीटा मैक्स जिसके साथ आपको कंपेयर करना है जो कि आपको एक क्राइटेरिया बताएगा कि आइदर बिल्डिंग के अंदर हमें पी डेल्टा इफेक्ट्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं करना है। शीट के अंदर कुछ टैब्स हैं नीचे जी, आपके पास पी डेल्टा एक्स पी डेल्टा वाई, इनके अंदर बेसिकली आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ई टैप मॉडल में से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे विच विल बी फर्स्ट कॉपीड इन स्टोरी डाटा बिल्डिंग आउटपुट शेयर्स देन डा फ्रॉम सेंटर मास डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वन बाई वन देखेंगे और इन दो टैब्स के अंदर आपको फिल करना है। हम नॉर्मली अभी इस टाइम फोकस करेंगे इसी टैब के ऊपर, बाकी टैब्स जो हैं बिल्कुल वेरी सिमिलर हैं तो उसमें आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक ई टैप मॉडल हम ओपन कर लेते हैं, सैम्पल ई टैप मॉडल्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या रिक्वायर्ड है विच इज़ स्टोरी और उनकी हाइट्स रिक्वायर्ड हैं। यूनिट्स हमारे किलो न्यूटन मिलीमीटर्स में है, मेक श्योर करें कि आपके पास जो ई टैप मॉडल ओपन हुआ उसके अंदर भी यूनिट्स किलो न्यूटन मिलीमीटर हों। आफ्टर एनालाइजिंग योर बिल्डिंग जस्ट गो टू डिस्प्ले शो टेबल्स, इसके अंदर बिल्डिंग डाटा के अंदर आके स्टोरी डाटा में जाएँ
तो ये डाटा को क्लिक करें और ओके कर लें। सारे टेबल को कॉपी कर लें, कॉपी एंटायर टेबल और लॉक स्टोरी डाटा के अंदर इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर हो गया, बेस की ज़रूरत नहीं, इसको ख़त्म कर दें। ये आपके पास स्टोरीज हैं सारी की सारी और ये उनकी रिस्पेक्टिव हाइट्स, इनको कॉपी कर लें। पी डेल्टा इफेक्ट में स्पेशल ठीक हो गया, देन अगेन स्टोरी डाटा में इनकी हाइट्स कॉपी करें स्पेशल। नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ पी सर्विस लोड्स, जिसमें डेड प्लस लाइव प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड्स सब लोड इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट लेटरल लोड्स। तो इसके लिए आप अपने ETAB में आएँ और मेक श्योर करें कि आपके पास इस तरह की एक कॉम्बिनेशन डिफाइन हो जिसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी लोड्स आ रहे हो। ऑटोमेटिकली मेरी बिल्डिंग के अंदर कॉम्बो वन जो है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके देखता हूँ, इट इंक्लूड्स डेड एंड लाइव। ये वो दो लोड केसेस हैं जो कि ग्रेविटी लोड्स में आ रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई लोड केस नहीं है। EQX EQY दोनों क्या हैं, लेटरल हैं। सो डेड प्लस लाइव दोनों सर्विस में आए हैं। सो कॉम्बो वन मेरे लिए एक बेसिकली ग्रेविटी लोड की रिएक्शंस दे रही होगी। अगर आपकी उसमें नहीं है तो आप यहाँ पर एक सर्विस कॉम्बो डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटी लोड्स जितने भी हैं, डेड प्लस लाइव सुपर इम्पोज डेड लोड्स, उन सबको वन फैक्टर के साथ यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ओके, अगेन गो टू डिस्प्ले शो टेबल्स। नाउ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग डेटाज हम जाएंगे यहाँ से बिल्डिंग आउटपुट एंड देन गो टू स्टोरी शियर्स। मेक श्योर कि यहाँ पर आपकी लोड केसेस सारे सिलेक्ट हुए हों, लोड कॉम्बिनेशन भी सारी सिलेक्ट हुई हों, 15 और 15, 4 और 4। ओके, ये सारे रिजल्ट्स आ गए। कॉपी एंटायर टेबल, यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर दें एंड अप्लाई अ फिल्टर है। अब अगर हमें ग्रेविटी लोड्स चाहिए सारे के सारे विच इज़ डेड प्लस लाइव, तो हमें यहाँ से अपने लोड केसेस में से फिल्टर लगाना है विच इज़ द ओनली कॉम्बो वन। अगर आपने सर्विस को लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन किया तो वही लोड कॉम्बिनेशन यहाँ सेलेक्ट करें। सेकेंडली ये आपको टॉप और बॉटम स्टोरी के टॉप और बॉटम में रिजल्ट दे रहा है, हम उसको सिर्फ बॉटम के रिजल्ट पकड़ लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द पावर ऑफ एक्सेल के आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करें खाली। सो दीज आर द पी लोड्स विच यू रिक्वायर्ड, कॉपी करें इनको पी के अंदर ला के पेस्ट कर दें। नेक्स्ट थिंग इज वी एक्स। अब जो आपने डेटा लिया है इसमें वी एक्स की वैल्यू जीरो इसलिए आ रही है बिकॉज आप कॉम्बो वन के अगेंस्ट रिजल्ट दिख रहे हैं और कॉम्बो वन वो थी जिसमें सिर्फ डेड और लाइव थे, देर वर नो लेटरल लोड्स इंक्लूडेड इन दिस वन। इन ऑर्डर टू हैव वी एक्स, यहाँ पर आपके पास वो कॉम्बिनेशन या वो लोड केस होना चाहिए जो कि वी एक्स प्रोड्यूस करे। सो दिस इज बेसिकली ई क्यू एक्स। ओके करें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको फर्दर कर देता हूँ कि अगर आप इस जगह पर हैं तो दिस इज ई क्यू पॉजिटिव एक्स। अगर आपके पास ई क्यू पॉजिटिव भी है और अपने लोड केस में ई क्यू नेगेटिव भी डिफाइन किया है तो आप यहाँ पर आकर ई क्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू डालेंगे और वी एक्स नेगेटिव के अंदर आने के लिए यहाँ से क्या लेंगे, EQ नेगेटिव वाला लोड के सिलेक्ट करेंगे। ठीक होगा, फॉर टाइमिंग हमारे पास दिस इज वी एक्स, कॉपी की इसको प्लीज। नेक्स्ट थिंग इज यू एक्स, डायफ्राम सेंटर मास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, हम वापस ETAB में जाएंगे अपने, गो टू डिस्प्ले शो टेबल्स। नाउ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग आउटपुट्स यू नीड द डिस्प्लेसमेंट्स, डायफ्राम सेंटर मास डिस्प्लेसमेंट्स, मेक श्योर एवरीथिंग इज सेलेक्टेड है। ओके, एडिट कॉपी एंटायर टेबल और डायफ्राम सेंटर मास डिस्प्लेसमेंट वाली शीट के अंदर लाके इनको पेस्ट कर दें। अप्लाई सेम वे द फिल्टर्स। अब हमें यहाँ पर पी डेल्टा एक्स में आए, यू नीड यू एक्स। तो जब भी ग्रेविटी लोड होंगे उनके अगेंस्ट तो यू एक्स नहीं आएगी, डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट ई क्यू एक्स टू गेट यू एक्स। स्टेप में जिस तरह मैं आता हूँ यहाँ पर यू नीड यू वाई, सो यू वाई के लिए आप ई क्यू वाई के रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक हो गया, तो अगर मुझे यू एक्स देखनी है सो आई विल गो टू दिस टैब अगेन जहाँ हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी, डायफ्राम सेंटर मास डिस्प्लेसमेंट, और इसमें से कौन सा लोड लोड के सेलेक्ट करूँगा, ई क्यू एक्स। दिस इज ई क्यू एक्स और ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं ई क्यू एक्स के अगेंस्ट यू एक्स की। इसको कॉपी कर लें, पेस्ट करें इसको यहाँ पर लाकर। अभी ऑटोमेटिकली इससे डेल्टा एक्स निकालेगा
एंड देन थीटा एक्स विच इज़ द स्टेबिलिटी कोफिशेंट, देन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा आपके पास थीटा मैक्स की वैल्यू बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस फैक्टर, और जो आपने डिफ्लेक्शन एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया है उसकी बेस पे थीटा मैक्स निकालेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद आपको एंड रिजल्ट बताएगा कि आइदर पी डेल्टा इफेक्ट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। सो इन दिस बिल्डिंग वी डोंट रिक्वायर पी डेल्टा इफेक्ट। सेम वे आपने यही प्रोसेस अप्लाई करना होता है ई क्यू एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में भी, देन पी डेल्टा वाई में जाएंगे, इसमें ई क्यू वाई पॉजिटिव ई क्यू वाई नेगेटिव दोनों डायरेक्शन के अंदर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू चेक इफ़ योर बिल्डिंग रिक्वायर्स पी डेल्टा इफेक्ट और नॉट।